नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर की फिल्म सुल्तान और मिस्टर परफेक्टनेस आमिर खान सर की फिल्म दंगल के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोनों फिल्में 2015 में रिलीज हुई थी और दोनों फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। दोस्तों पहले बात करते हैं सुपरस्टार सलमान खान सर की फिल्म सुल्तान के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये फिल्म 21 मई 2016 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे सलमान खान सर, अनुष्का शर्मा, अनंत विवाद, रणदीप हुड्डा और अमित सूद। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर और प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। फिल्म में म्यूजिक दिया था विशाल शेखर ने और फिल्म का कुल बजट 145 करोड़ था और उसने बॉक्स ऑफिस पर 623.33 करोड़ की शानदार कमाई की थी। फिल्म में टोटल 14 गाने थे और सभी गाने हिट रहे। दोस्तों ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें हमें अनुष्का शर्मा और सलमान खान एक साथ नजर आए थे। इसी फिल्म के साथ अनुष्का शर्मा ने तीनों खान के साथ फिल्म बनाने का रिकॉर्ड भी बना लिया। सुल्तान फिल्म की शूटिंग दिल्ली, हरियाणा और मुंबई में की गई थी। दोस्तों इस फिल्म के लिए सलमान खान को कई बार अपना वजन बढ़ाना और घटाना पड़ा, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। इस फिल्म के लिए सलमान खान ने हरियाणवी भाषा भी सीखी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों सुल्तान 2016 की सबसे लंबी फिल्मों में से एक थी, जिसे सेंसर बोर्ड से बिना कोई कट लगाए सर्टिफिकेट मिल गया था। दोस्तों बात करते हैं सुपरस्टार आमिर खान सर की फिल्म दंगल के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये फिल्म 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे आमिर खान सर, साक्षी तनवर, फातिमा सना शेख, जयरा वसीम, सानिया मल्होत्रा और गिरीश कुलकर्णी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे नीतीश तिवारी और प्रोड्यूसर थे आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ राव कपूर। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था प्रीतम सर ने। फिल्म का कुल बजट 70 करोड़ था और उसने बॉक्स ऑफिस पर 2400 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। इस फिल्म में टोटल 7 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म में आमिर खान सर ने भी एक रैप गाया था। ये फिल्म आमिर खान सर की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। इस फिल्म को चीन में बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और ये पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसने चीन में सबसे ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान को 3 बार चोट लगी थी। इस फिल्म के लिए आमिर खान सर ने अपना 12 किलो वजन बढ़ाया था।